लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा सीपैक अथॉरिटी के सरबराह नहीं रहे। वफाकी वजीर राय मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं आसिम सलीम बाजवा की अथॉरिटी की मुद्दत ख़त्म हो गई है, उन्हें ना तो कोई मुआवजा मिल रहा है और ना ही वो कोई फैसला कर सकते हैं। असद उमर ने कहा कि इसके बावजूद आसिम सलीम बाजवा आज भी हमारी मदद कर रहे हैं, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। ज़राए का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को ताहाल मुआवन खसूसी तलात के ओहदे से सुबकदोश नहीं किया गया। अवैस कियानी से मज़ीद तफसीला जानेंगे। अवैस अपडेट कीजिएगा। देखिए, जो आसिम सलीम बाजवा हैं वो उस वक्त सी पैक जो अथॉरिटी है उसके चेयरमैन नहीं रहे। असद उमर का ये कहना है कि सी पैक के तमाम तर मामला जो हैं वो खुद देख रहे हैं और उसके साथ बताया जा रहा है कि सी पैक का जो बिल है वो इस वक्त जो है कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। जो स्टैंडिंग कमेटी है प्लानिंग की, वहां पर वो जो बिल जो है 2020 सी पैक वो वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जो है ये बिल पेश होगा और उसके बाद सी पैक चेयरमैन की तैनाती जो है उसके चेयरमैन की तैनाती के हवाले से जो है वो इख्तियार किया जाएगा लाहेमल। लेकिन दूसरी तरफ हैरान कन चीज ये है कि इस वक्त हमारे जो कैबिनेट डिवीजन के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा जो है वो इस वक्त मामले खसूसी के जो है उस पर उनको सबकदोश नहीं किया गया। जैसे ही वजीर आजम की तरफ से ऑफिस की तरफ से हदायत मिलेगी तो उनको डी नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, अवैस कियानी बहुत शुक्रिया आपका।